नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भविष्य में मां की कोख के बजाय इंसानों के बच्चे फैक्ट्री में पैदा होंगे। विज्ञान के क्षेत्र में ये नई खोज काफी चौंकाने वाली है। एक्टोलाइफ नामक कंपनी उन सभी महिला पुरुषों की मदद का दावा कर रही है जिनके किसी भी कारण से बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। दुनिया की पहली कृत्रिम गर्भ सुविधा से फैक्ट्री में हर साल 30,000 बच्चे जन्म लेंगे। एक्टोलाइफ के वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि माता पिता चाहे तो बच्चे के जीन में बदलाव भी करा सकते हैं। बच्चे की कोई भी खासियत जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई, बुद्धि और त्वचा के रंग को अनुवांशिक रूप से 300 से अधिक जीनों के माध्यम से बदला जा सकता है। एक्टोलाइफ वैज्ञानिकों और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले हासिम अली गायली ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण केंद्र दिखाया गया है। इसमें बच्चों का विकसित होते हुए देखा जा सकता है। एक्टोलाइफ के पास कई उच्च क्वालिटी के उपकरण वाली 75 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। हर प्रयोगशाला में 400 ग्रोथ पॉड्स हैं जहां गर्भ की तरह बच्चे पल सकते हैं। एक ग्रोथ पॉड्स में एक बच्चा पलता है। हर ग्रोथ पॉड को बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया गया है जैसे कि मां का पेट यानी गर्भाशय होता है। एक्टोलाइफ के पास एक साल में सुरक्षित तरीके से 30,000 तक बच्चों को जन्म देने की सुविधा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम कोख में बच्चे मां के गर्भ की तरह ही सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान उनके खान पान और उनसे जुड़ी बीमारियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ग्रोथ पॉड में सेंसर भी होगा जो बच्चे के महत्वपूर्ण संकेतों जैसे दिल की धड़कन, रक्तचाप, सांस लेने की दर और ऑक्सीजन की निगरानी करेगा। हर पॉड को एक स्क्रीन से जोड़ा गया है जहां कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के विकास की प्रक्रिया को सीधे तौर पर देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुविधा फिलहाल वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो में यह दावा किया गया है कि इसका उद्देश्य जनसंख्या में गिरावट से पीड़ित देशों की मदद करना है। 8.5 मिनट के एनिमेशन वीडियो में दावा किया गया है कि यह सुविधा पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से संचालित होगी। इसमें कहा गया कि एक्टोलाइफ सुविधा के लिए प्रयोगशाला में बड़ी संख्या में पॉड्स या कृत्रिम गर्भ होंगे जिसके अंदर बच्चों को पाला जाएगा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्भावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते दुनिया भर में हर साल 3 लाख महिलाओं की मौत होती है।